फ्रेंड्स, बोया माइक का अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं। इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है आज के डेट में, तो ये कंफ्यूजन दूर करके बता रहे हैं आपको कि बोया माइक का कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा सही है और कौन सही क्वालिटी काम करता है। आप यहाँ पर देखिए, सारा बोया माइक सेम ही है लगता है, लेकिन सब अलग अलग है। आप यहाँ पर देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट सब बॉक्स पे काफ़ी हद तक सब सेम ही लगेगा, लेकिन हम यहाँ पर सबका अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं और आपको पहचान भी बताएंगे कि ताकि आप पहचान सकें कि बोया माइक कौन सा सही है। आप यहाँ पर देखिए, देखिए बहुत सारी ये दोनों सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ पे इसको देखिए, तो ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है और ये भी ओरिजिनल है। क्योंकि बोया माइक में बहुत कन्फ्यूजन आ गया है, तो कंपनी ने ब्लैक तो पहले था ही, लेकिन कंपनी ने ओरिजिनल में एक व्हाइट कलर भी निकाल दिया है, ताकि कस्टमर को जो पहचान पा रहे हैं, पुराने तो वो तो पहचान लेंगे, लेकिन जो नए कस्टमर हैं बोया माइक के, वो कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए कंपनी ने, उन लोगों की सहूलियत के लिए कंपनी ने बाकायदा व्हाइट कलर का बोया माइक निकाल दिया है। और सबका हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे आप। क्योंकि हर मार्केट में ज़्यादातर लोगों को सस्ता चाहिए, तो हर दुकानदार जो है ना, ज़्यादातर लोग कॉपी ही रखे हुए हैं। अब यहाँ कस्टमर को ढूंढने आते हैं कि भैया हमें 400-500 रुपये में बोया माइक चाहिए, तो 400-500 रुपये में बोया माइक कभी नहीं आएगा और ओरिजिनल कभी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। बाकी आप सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये भी आप देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए आप, ये इस टाइप का QR कोड है और इसके पीछे पैकिंग है इस टाइप का। और ये देखिए रैपर पर तो है, देख रहे हैं, अब बाकी ये आपको सही क्वालिटी का नहीं रहेगा। और ये बोया माइक का आपको गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे ये डॉट्स मोटा रहेगा, वायर तो सब में रहेगा 6 मीटर ही, लेकिन साउंड क्वालिटी सही नहीं रहेगा, ठीक है। अभी ये भी देखिए, ये डुप्लीकेट है, ये वाला भी डुप्लीकेट है। आप देखिए यहाँ पे गौर से, इसमें भी मोटा मोटा ही डॉट्स आएगा, यहाँ पे थोड़ा होता है, बड़ा होता है डॉट्स, और ये सब ज़्यादा शाइनिंग रहता है। जबकि ओरिजिनल में आपको मैट फिनिशिंग में रहेगा, वायर कम शाइनिंग रहेगा और आप देखिए एकदम फिनिशिंग एकदम डिफरेंट दिखेगा। आप यहाँ पे देखिए गौर से, इस पे एक स्टिकर लगा हुआ रहता है QR कोड, जिससे आप स्कैन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये ब्राइटनेस कम है, इस पे ब्राइटनेस ज़्यादा, ये ज़्यादा चमकीला दिखता है। और इन सब की अपेक्षा आप देखिए, आप सब पे बोया माइक ही लिखा हुआ है, तो ये ओरिजिनल है, इसमें कम मैट फिनिश में रहेगा। और ये तो देखिए आप, तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें हमने सबसे अलग रखा है, ये आप पहचान लीजिएगा गौर से देखिएगा तो, लेकिन सब सामने होना चाहिए तभी पहचान पाइएगा, नहीं तो दुकानदार क्या करता है, लोकल वाले को ही बोल देते हैं भैया हाँ ये ओरिजिनल है कॉन्फिडेंस के साथ, बट आप साउंड क्वालिटी चेक करेंगे तो डिफरेंट आएगा, ठीक है। आप बहुत मुश्किल है पहचान पाना, देखिए आप सब सेम ही रहेगा, अंदर में भी आपको स्विच के अंदर भी लाल ही रहेगा। तो बोया माइक सही दुकान से खरीदिए, और थोड़ा सा वो प्राइस महंगा आएगा, हम ये बोलना चाहेंगे कि क्योंकि कस्टमर सस्ता ढूंढते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि आप सस्ता ओरिजिनल माइक कभी सस्ता नहीं होगा। तो आमतौर पर 400-500 में ढूंढते हैं तो वो नहीं आएगा। जो भी ओरिजिनल बोया माइक लेते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे भी आपको ज़्यादातर डुप्लीकेट ही आता है, क्योंकि ओरिजिनल बोया माइक लेंगे तो 1000 से 1500 के बीच में ही आता है ओरिजिनल, और ऐसे कम में आता है तो वो ओरिजिनल नहीं रहता है। और आप खुद ऐसा देख सकते हैं, हाँ ओरिजिनल माइक की क्वालिटी स्टैंडर्ड आएगा, ठीक है, साउंड क्वालिटी बेहतर रिकॉर्ड होता है। तो आप यहाँ देखिए ओरिजिनल बोया माइक, और यहाँ पर देखिए आप, ये ओरिजिनल बोया माइक के पीछे आपको, ये व्हाइट वाले के पीछे पूरा इसमें आपको इम्पोर्टर वगैरह का नाम दिया रहेगा, गौर से देखिए आप,
ये भी ओरिजिनल है, इसके पीछे भी आपको स्टिकर देखिए गौर से, ये भी आपको ओरिजिनल है। तो ये देखिए डुप्लीकेट है और ये भी डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल बोया माइक कभी सस्ता नहीं होता है। जो कस्टमर सोचते हैं कि हाँ हमने ओरिजिनल बोया माइक लिया है या फिर सस्ता में ओरिजिनल माइक लिया है, तो ओरिजिनल नहीं खरीदा है आपने। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, क्वालिटी मैच करा के देख सकते हैं आप। तो ओरिजिनल बोया माइक खरीदना है तो हम आपको यहाँ दुकान का एड्रेस दे देंगे, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो भी आप ओरिजिनल महंगा ही आएगा, ध्यान में रखिएगा। और आप सोचते हैं कि ओरिजिनल सस्ता आएगा तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि दुकानदार कहीं ना कहीं आप सस्ता मांगेंगे या सस्ता में खुद किएंगे तो दुकानदार आपको डुप्लीकेट ही देगा। तो ओरिजिनल बोया माइक खरीदने के लिए पहचान देख लीजिए और आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। दुकान पे भी हम आपको एड्रेस दुकान का दे देंगे। तो ओरिजिनल बोया माइक पटना के बाकरगंज में यहीं पे मिलेगा, गैजेट ऑनलाइन एसेसरीज के नाम से ये दुकान है। तो ओरिजिनल बोया माइक खरीदने के लिए आप यहाँ पे देखिए और कन्फ्यूजन दूर कीजिए वीडियो देख के। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।